नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 2019, 2020, 2021 में मैट्रिक पास कर गए हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फाइनली जो है बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन का प्रक्रिया जो यहां पर स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों की किस प्रकार से जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस प्रकार से जो है आप लोग को इंटर में एडमिशन लेना है, कितने कॉलेज स्कूल को जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कितने जो है आप लोग को इसमें फीस लगेगा, आप लोग को कहाँ से और कैसे जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि जो यहाँ पर बिहार बोर्ड ने इंटर में एडमिशन का प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दिया है, जिसका जो है यहाँ पर कॉमन परफेक्ट एवं कॉमन एप्लीकेशन जो यहाँ पर जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में आप लोग की मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ऑनलाइन आवेदन करके मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोग को किस प्रकार से आवेदन करना है, ताकि आप लोग को सक्सेसफुल हो जाए। अन्यथा जो आप अगर आप लोग इसमें एक भी जो यहाँ पर गलती करते तो आपका जो यहाँ पर पेमेंट जो है 350 रुपये कट जाएंगे और अनसक्सेसफुल हो जाएगा, आपका जो एडमिशन जो है पेंडिंग में हो जाएगा, आप लोग का एडमिशन जो यहाँ पर नहीं होगा। तो आप लोग को इस वीडियो को आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना होगा, तभी जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। किसी भी साइबर कैफे या किसी भी वसुधा केंद्र पर जाने की आप लोग की जरूरत नहीं होगा, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिहार बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर 2-3 जो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उस नोटिफिकेशन को बता देता हूँ। उसके बाद जो है आप लोग को कहाँ से और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो बिहार बोर्ड ने साफ साफ जो यहाँ पर बता दिया कि आवेदन भरने के समय ही इस कॉलम को जो है भरेंगे विद्यार्थी। आप लोग को कौन कौन से कॉलम भरना है, किस प्रकार से आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप जो इस वीडियो में मैं आप लोगों की बताने वाला हूँ। एक छात्र 20 कॉलेज में जो है यहाँ पर कर सकता है आवेदन, यानी कि न्यूनतम जो है आप लोग 10 कॉलेज एवं अधिकतम जो है आप लोग 20 कॉलेज को जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर जारी किया गया है कि यहाँ पर जो है 11वीं में मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा नामांकन, यानी कि सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरिट लिस्ट के आधार पर जो यहाँ पर सभी का जो यहाँ पर नामांकन होगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड ने 20 स्कूल कॉलेज को जो यहाँ पर सेलेक्ट करने का मौका दिया है पहली बार। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि अवसर एक बार विकल्प भरने के बाद नहीं हो पाएगा कोई बदलाव, छात्र अपनी पसंद के कॉलेज या स्कूल का चयन कर सकते हैं। आपको दोबारा जो यहाँ पर बदलाव करने की प्रक्रिया जो यहाँ पर नहीं किया जाएगा, आप दोबारा जो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रथम चयन सूची में 4 लाख से अधिक छात्र एवं छात्राओं की जो यहाँ पर मौका दिया जाएगा जो फर्स्ट डिवीजन से पास है, उन्हीं 4,13,000 छात्र एवं छात्राओं को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो है नाम जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है आप लोगों की इसमें अंक एवं प्रमाण पत्र नहीं करना होगा अपलोड। यहाँ पर बिहार बोर्ड ने इसका प्रक्रिया जो यहाँ पर हटा दिया गया है। इंटर में नामांकन कराने के लिए जो है आवेदन की प्रक्रिया पहले से आसान कर दी गई है। छात्रों को अंक पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड करने की यहाँ पर प्रक्रिया से छूट मिल गई है। किसी भी कॉलेज के लिए आवेदन करने के दौरान बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास छात्राओं को अंक पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना होगा। आवेदन के दौरान अपने मैट्रिक का रोल नंबर, रोल कोड डालना होगा। दोनों जानकारी देते ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास पूरी डिटेल जो यहां पर उपलब्ध होगी। बोर्ड के पास जो है इन छात्रों का रिकॉर्ड पहले से मौजूद होने के कारण जो है इस प्रक्रिया को आसान कर दी है। चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को कैसे कहाँ से जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो अपने फोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में लिखना है biharhelp.in लिखकर जो आप लोगों की सर्च कर देना है और 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को जो है आप लोगों की टिक कर देना है। जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म में जो आप लोग को आ जाना है। जैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को OFSS बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2021 पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है, आपको जो यहाँ पर सारा का सारा लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। आपको जो ऑफिशियल साइट पर जो आ जाना है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके पास जो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, मैं आप लोग की इसमें बता रहा हूँ। अब जैसे इस साइट पर आएंगे आप लोग तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इंटरमीडिएट कॉलेज स्कूल, आपको जो इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। तो आपको जो यहाँ पर टिक जो है यहाँ पर कर देना है और यहाँ पर आवेदन करने हेतु जो यहाँ पर क्लिक करें इस पर जो आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले जो यहाँ पर विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम यहाँ पर जो है आप लोग को सेलेक्ट करना है। आप लोग किस बोर्ड से पास किए हैं, बिहार बोर्ड से पास किए तो यहाँ पर BSEB बिहार जो है सेलेक्ट करना है। CBSE से पास किए तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट करना है। ICSE से पास, जो भी आप लोग बोर्ड से पास किए यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट तो 5 सेकंड में डॉटनेट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, करो करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, महाराष्ट्र या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से बारहवीं IIT JEE नीट का सवाल हो, सभी सवालों का वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डॉटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डॉटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
और आपने किस साल परीक्षा में उत्तीर्ण की है। यहाँ पर जो आप लोग को वर्ष जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है 2020 में उत्तीर्ण किए, तो 2020 21 19 यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने कौन सी परीक्षा पास की है, एनुअल आप लोग वार्षिक परीक्षा पास की है या पूर्व परीक्षा पास की, यानी कि जो है आप लोग एनुअल परीक्षा पास की है तो इस पर टिक करना है। अगर आप कंपार्टमेंटल परीक्षा देकर पास किए तो इस पर जो आप लोग को टिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर जो है डेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मंथ, उसके बाद ईयर जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रोल कोड जो है इसमें फिलअप कर देना है, रोल नंबर इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग का बायोडाटा यहाँ पर फिलअप हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अपना नाम जो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम जो यहाँ पर लिखना होगा, आवेदक का नाम यानी कि एप्लीकेंट का नाम लिखना होगा, उसके बाद फादर्स नेम लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम जो यहाँ पर लिखना होगा, उसके बाद जो यहाँ पर अपलोड योर फोटो पर क्लिक करके जो आप लोग को अपना पासपोर्ट साइज फोटो जो इसमें अपलोड करना होगा, जेपीजी या जेपीईजी या पीएनजी फाइल में जो आप लोग को अपलोड करना होगा। उसके बाद जो है आप लोग जैसे आप लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के अलावा सीबीएसई आईसीएसई या अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन देने के लिए जो यहाँ पर अलग से अवसर जो है प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जो अभी आईसीएसई एवं ये सब बोर्ड का जो यहाँ पर सीबीएसई आईसीएसई ये सब बोर्ड का जो अभी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का कुल अधिकतम अंक जो यहाँ पर डाल देना है, यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो आप लोग को कितना यहाँ पर डाल देना है और टोटल फुल मार्क्स जो यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है अपना जो यहाँ पर विद्यालय यानी कि यहाँ पर विद्यालय का नाम जो है यहाँ पर लिख देना है, जिस विद्यालय से जो आप लोग पास किए, यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने जिस स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है यानी कि पास की है, उसका जो है नाम इसमें डाल देना है, विद्यालय का पता जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर जिस जिले में जो है आपका विद्यालय है उस जिले का जो इसमें सेलेक्ट कर लेना है, वो जिला जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किस साल जो है उस विद्यालय में नामांकन लिया, उस वर्ष को जो है उस ईयर को जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में जो है आप लोग किस वर्ष जो है आप लोग उस विद्यालय में नामांकन लिए। उसके बाद जो है आपने किस साल जो है उस विद्यालय छोड़े यहाँ पर जो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप लोग 2021 में पास किए 2020 में, यानी कि किस वर्ष जो है उस विद्यालय को जो है आप लोग छोड़ दिए, यहाँ पर जो है वर्ष सेलेक्ट कर लेना है। के बाद 7 नंबर में जो आप लोग को जेंडर सेलेक्ट करना है यहाँ पर, उसके बाद जो भी आप लोग का मेल फीमेल होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मातृभाषा जो यहाँ पर आप लोग को हिंदी या जो भी यहाँ पर होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है नेशनलिटी में जो यहाँ पर इंडियन ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर धर्म भरना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख जो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जो अपना स्टेट जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो यहाँ पर प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो यहाँ पर अपना फुल एड्रेस इस बॉक्स में डाल देना है, पिन कोड इस बॉक्स में डाल देना है, मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डाल देना है, ईमेल आईडी इस बॉक्स में डाल देना है। उसके बाद अगर आपके पास जो है टेलीफोन नंबर जो है एसटीडी कोड है तो इस बॉक्स में जो आप लोग डाल सकते हैं, अन्यथा जो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है कैटेगरी जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि आप लोग किस कैटेगरी से यानी कि एससी एसटी ओबीसी बीसी1 बीसी2 यहाँ पर जो आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर जो आप लोग को टिक कर देना है, जो भी आप लोग का कास्ट होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर टिक करना है यानी कि यस करना है, अगर नहीं है दिव्यांग तो यहाँ पर नो पर टिक करना है। आपके पास जो यहाँ पर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आपको जो यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद जो आप लोग जैसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास जो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद जो यहाँ पर जो है जिस जिले के कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें, यानी कि आप लोग किस जिले के स्कूल में जो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का जो नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी स्कूल कॉलेज में आप लोग का नामांकन लेना है उस स्कूल कॉलेज को जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी कि उस कॉलेज का नाम जो इस बॉक्स में जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप आर्ट साइंस या कॉमर्स किस संकाय से जो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर संकाय सेलेक्ट कर लेना है। आपको और कॉलेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से और बॉक्स जो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, उसके बाद जो दोनों बॉक्स को टिक कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग को 350 रुपये जो यहाँ पर पेमेंट करना होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग द्वारा जो आप लोग पेमेंट 350 रुपये कर सकते हैं। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद जिस माध्यम से आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं उसका जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर आप लोग का रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को जो इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद जो सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो है आप लोग का फाइनल सबमिट जो है हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते योर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड सक्सेसफुल जो यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी का जो है आप लोग को प्रिंट कर लेना है, यानी कि प्रिंट निकाल लेना है। यहाँ पर जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रिंट जो है निकल जाएगा, उसको जो है आप लोग अपने पास जो है सेफ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एवं थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, आप लोग का किस मेरिट लिस्ट में नाम शामिल होता है उसके बाद जो आप लोग नामांकन लेंगे।
आप लोगों की इस कॉमन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोगों को ऊपर की तरफ जैसे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा डाउनलोड कॉमन प्रोस्पेक्ट, इस पर जो आप लोगों को क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो डाउनलोड मैं डाउनलोड कर लिया हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो ये जो 4 MB का है आप लोगों की 28 पेज में जो यहाँ पर अपना फोन में जो डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग आसानी से जो है देख सकते हैं। अभी जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक जो है जारी नहीं किया गया, ये जो है सिंपल जो कॉमन एप्लीकेशन को जारी किया गया है। 19 से लेकर 28 जून के बीच जो यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 19 तारीख से लेकर 28 जून के बीच जो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 19 तारीख के डेट में जो है यहाँ पर लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो साइट में बताया हूँ उसी साइट पर। तो इस प्रकार से जो है इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप जो आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।